नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से एमएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है। इन्हीं डेट शीट को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा मैं आपको ये नोटिफिकेशन लेट दे रही हूँ, बिजी शेड्यूल होने के कारण इस पे वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो है हम डेट शीट को डिस्कस करेंगे एंड प्लस आप किस प्रकार से स्टडी करें अपने एग्जाम्स के लिए वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की डेट शीट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। 11 मई से आप सभी के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स मॉर्निंग की शिफ्ट में रहेंगे। पहला एग्जाम 11 तारीख को है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा एग्जाम 13 तारीख को रहेगा, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके बाद 15 तारीख को आपका एग्जाम है करिकुलम स्टडीज का। 17 तारीख को एग्जाम रहेगा प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। 21 तारीख को यहाँ पे तीन एग्जाम्स हैं, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, मॉरल एजुकेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल। इसके बाद 23 मई को एग्जाम रहेगा, काफी सारे ऑप्शंस हैं जो भी आपने सेलेक्ट किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट 1, एनवायरमेंटल इश्यूज, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, फूड एडल्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एंड इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स दोस्तों आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, चार कॉमन सब्जेक्ट्स के भी और जो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके भी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहती हैं तो हमें दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट लिखकर भेजें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपको जिन सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम में, और प्लस उनकी डिलीवरी किस पिन कोड पे करानी है वो पिन कोड लिखकर भेजिए। आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम की तरफ से हमारी जो है कोटेशन दे दी जाएगी। आप अपना एड्रेस भेजिए, पेमेंट करिए और 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, आपको डिलीवर हो जाएंगे। एंड मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दूर रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 हफ्ते का, एंड आपको जो है डिलीवरी मिल जाती है नोट्स की, राइट। अब एमएड फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्ट में काफी सारे ऑप्शंस हैं। इस प्रकार से डेट शीट है दोस्तों, 14 तारीख को एग्जाम 14 मई से स्टार्ट है। पहला एग्जाम एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, 14 को ही काफी सारे एग्जाम्स हैं, तीनों ऑप्शंस में से जो भी आपके पास सेकेंडरी लेवल एलिमेंट्री लेवल उस प्रकार से एग्जाम रहेगा। 16 तारीख को भी काफी सारे एग्जाम्स हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास है उसका एग्जाम आपका रहेगा। तो एडवांस करिकुलम थ्योरी, चाहे सेकेंडरी लेवल हो या एलिमेंट्री, अप्रोचेस टू असेसमेंट, अगेन सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल को जो भी हो, देन पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, तो कोई भी सब्जेक्ट इनमें से है तो आपका एग्जाम रहेगा 16 मई को। 18 तारीख को इसके बाद एग्जाम है एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, सेकेंडरी एलिमेंट्री से फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आपने सेलेक्ट किया आपका एग्जाम रहेगा, राइट। देन गाइडेंस इन काउंसलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेकेंडरी एलिमेंट्री कोई भी लेवल हो तो एग्जाम आपका 18। दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से करिए एग्जाम्स के। एमएड फोर्थ सेमेस्टर की भी यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स कुछ इस तरीके से आपको हमारे पास मिल जाएंगे, स्पाइरल बाइंडिंग फॉर्म में जो है नोट्स होते हैं, एंड हार्ड कॉपीज आपके जो एड्रेस है उस पर डिलीवर हो जाती है आपको। सो मेक श्योर आप टाइम रहते नोट्स को ऑर्डर कर दें, ताकि 2 से 3 दिन में आपको नोट्स जो है आपके पोस्टल एड्रेस पे मिल जाए। हमें व्हाट्सएप करके भेजिए हमारे इस दिए हुए नंबर पे, डायरेक्ट लिंक व्हाट्सएप का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर की प्लेलिस्ट गिवन है, एंड सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट गिवन है, एंड अगर उनके आंसर्स चाहिए तो उन सब की भी लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ पेड पीडीएफ्स हैं। आप वहां पे जाके जो है क्लिक करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स का पीडीएफ जो है वो परचेज कर सकते हैं, अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल 100% रहते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन वहीं से आएंगे।
एज यू नो कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है वो एमडीयू की ही बुनियाद पे है, एमडीयू का ही सिलेबस, एमडीयू के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब कुछ एमडीयू का फॉलो करती है यूनिवर्सिटी. सो मेक श्योर आप हर चीज़ के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में एमडीयू के ही रेफरेंस मटेरियल को फॉलो करें. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको एमडीयू वाले ही करने हैं एंड वहीं से ही आपका पेपर 100% अटेम्प्टिंग रहने वाला है. मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के एग्जाम्स अच्छे रहेंगे एंड एग्जाम्स होने के बाद उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने आपको कितना हेल्प किया, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उन पे एक कमेंट ज़रूर करिएगा आपने जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए, ताकि उन्हें रिव्यू मिल सके कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहते हैं. धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद. ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का.